अस्सलाम वालेकुम, अम्मी किचन में आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, हमारी वीडियोस देख रहे होंगे और इन्हें पसंद भी कर रहे होंगे। आज हम आपको बनाना बता रहे हैं पोटैटो बास्केट। उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हैं, सबसे पहले हमें चाहिए होगा मैदा। ये हमने तकरीबन 250 ग्राम लिया है, जो 2 कप के बराबर होता है तकरीबन। घी है, तेल नहीं है, घी है, ये तकरीबन 4 टेबल स्पून है। ज़ीरा आधा चम्मच है और 1 चुटकी अजवाइन है। आधा चम्मच कुटी मिर्च है और चाट मसाला है, ये तकरीबन 1.5 चम्मच है। मैं चाट मसाला ज़्यादा डाल रही हूँ इसलिए कुटी मिर्च कम डालिए, आप इसको अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये चावल का आटा है, तकरीबन 3 चम्मच है, हम इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर लेंगे। तिल है, ये 2 चम्मचे हैं, ये भी हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर लेंगे। नमक है, तकरीबन 2 चम्मचे है, ये भी हसब ज़ायक़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू 4 है, इसको हमने उबाल लिया है। हरा धनिया है थोड़ा सा और 1 हरी मिर्च है, इसको हमने बारीक काट लिया है। तेल है फ्राइंग के लिए। चलें अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आटे को एक बड़े बाउल में डालेंगे और इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। अभी एक हम बड़ा बाउल ले लेंगे, उसके अंदर ये आटा डाल देंगे। इसके अंदर ये जो नमक है हमारे पास, ये डाल देंगे। इसमें हल्का सा नमक, थोड़ा आम आटे के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा डालते हैं, ताकि ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं समोसे वगैरह, उनके आटे में नमक महसूस हो। ये सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे और ये इसको जो अजवाइन है उसको भी थोड़ा सा मसल के और इसमें डाल देंगे। इनको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिर इसके अंदर हम 4 बड़े चम्मचे घी के डालेंगे। पहले थोड़ा सा इसको मिक्स करके देखेंगे, अगर ये सही लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसमें हम थोड़ा सा और डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा कम लग रहा है तो 1 चम्मच और डाल देंगे, या इसे अब हमारे 5 चम्मचे हो गए तकरीबन। ये जो हम बनाते हैं इसका जो खस्तगी देखने के लिए, इसको हम यूँ करके देखते हैं, ये इस तरह बन रहा है तो इसका मतलब है ये सही है। ये हमारा जो अंदर जो हमने डाला है तेल या घी, तो वो सही रहता है। अब बाज़ लोग तेल में बनाना चाहते हैं तो तेल में बना लें, ज़रूरी नहीं घी डालें, लेकिन घी से ज़रा खस्तगी ज़्यादा आती है। अब इसके अंदर इसको हम गूंद लेंगे, लेकिन पहले थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदेंगे, एकदम से बहुत सारा नहीं डालेंगे। और इसका हमें सख्त डो बनाना है, बहुत ज़्यादा नरम नहीं हो, थोड़ी सख्त डो बनाएंगे, ताकि जब हम जो इसकी बास्केट्स बनाएंगे तो वो अच्छी अच्छे शेप में बने। ऐसे थोड़ा सा और पानी डालेंगे, इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो को तैयार कर लेंगे। ये देखें हमारा आटा तैयार हो गया। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा हल्का सा घी लगा के इसके ऊपर बिल्कुल, अभी आटे को हम ढक के एक तरफ रख देंगे, जब तक हम अभी और चीज़ें बना तैयार कर लेंगे। पोटैटो बास्केट में भरने के लिए आलू की फिलिंग तैयार करते हैं। ये हमने 4 आलू जो लिए थे, इनको हाथ से मैश कर लें या मैशर से मैश कर लें, या आप चाहें तो कांटे से मैश कर लें, जैसे भी, इनको खूब बारीक मैश कर लें। इसमें मोटे मोटे टुकड़े ना रहें, बारीक रह जाएँ कोई बात नहीं, लेकिन बहुत बड़े टुकड़े नहीं रहना चाहिए। ये मैं हाथ से मैश कर रही हूँ, आपको जो आसानी लगे उस तरह इनको खूब बारीक मैश कर लें। अभी देखिए अच्छी तरह मैश हो गए, ऐसे बड़े टुकड़े भी नज़र नहीं आ रहे। इसके अंदर हम बाकी मसाले मिलाएंगे, नमक मिलाएंगे, तकरीबन 1 चम्मच है, चाट मसाला मैं ज़्यादा मिला रही हूँ, इससे अच्छा मज़ा आता है। 1.5 चम्मच है ये, आप चाहें तो कम कर लें। और आधा चम्मच कुटी मिर्चें, ये 1 हरी मिर्च है बारीक कटी हुई, और हरा धनिया थोड़ा क्वार्टर गड्डी के करीब है, ये आधा कप समझ लें। अब इसके अंदर थोड़ा सा, ये तकरीबन 4 चम्मचे है चावल का आटा, इसको हम अपने हिसाब से थोड़ा मिलाएंगे, देखेंगे अगर बाइंडिंग सही हो रही है तो सही है। अभी 2 चम्मचे डाला है मैंने, फिर अगर कम लगेगा तो और डाल देंगे। इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है और
जो हम चीज़ जो भी बना के फ्राई करते हैं वो अच्छी क्रिस्पी बनती है, और जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये टूटेगा भी नहीं। ऐसे थोड़ा सा और मिला रही हूँ मैं, तकरीबन हमने इसमें 3 चम्मच मिला दिए है, 1 चम्मच बच गया। ये देखें हमारी फिलिंग बिल्कुल तैयार हो गई, सब चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं, इसमें कोई आलू के बड़े टुकड़े भी नज़र नहीं आ रहे। अब इस हम अपने हाथ में हल्का सा घी लगाएंगे इस तरह, और इसके छोटे छोटे से थोड़ी सी लंबाई में इस तरह हम बाइट्स बना लेंगे, लंबाई थोड़ी सी लंबाई में, और रख लेंगे जितना हमें ज़रूरत है, जितनी हमें बास्केट्स बनाना है उसके हिसाब से इनको बना लेंगे। इसी तरह सारे इसके बना के हम रख लेंगे। ये देखें हमारे ही बन गए, इस तरह हमने बना के रखे हैं। इसको हम एक तरफ रख देंगे, और जो हमने आटा गूंद के रखा था अब उसको उसके हम बास्केट्स बनाएंगे। आटे को रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया, ये देखें बहुत अच्छा हमारा तैयार हो गया आटा। अब इसको हम छोटे छोटे इसके पेड़े बना लेंगे इस तरह, और फिर इनको हम बेल लेंगे इस तरह, हम सारे आटे के पेड़े बना लेंगे। ये देखें हमने सारे पेड़े बना के रख लिए थे, अब हम इसको बेल रहे हैं इस तरह। हम थोड़ा सा बेलेंगे इसके नीचे, फिर थोड़ी सी वो डालेंगे तिल, फिर इसको बेलेंगे ताकि तिल इसके अंदर जज्ब हो जाए। पीछे की तरफ ही बस तिल लगाएंगे, थोड़ा सा हम इसको लंबान में बेलेंगे, फिर इसके अंदर एक ये इस तरह रखेंगे बीच में, और हाथ से इसको ऐसे दबा दबा के थोड़ा सा बाहर की तरफ करेंगे, चिपक भी जाएगा आराम से। इधर से साइडों से खुला रहने देंगे और इसको थोड़ा सा आगे कर देंगे। ये देखें इसका एक बास्केट का सा शेप बन गया। फिर इसको हम किसी भी चीज़ से एक छोटा सा सुराख कर लेंगे। ये देखें हमारी बास्केट तैयार हो गई। इसी तरह हम बना बना के सारी बास्केट्स अपनी रख लेंगे। ये देखें हमारी सारी बास्केट्स बन के तैयार हो गई हैं। अब इसको इसका आपको इसके अंदर हैंडल भी नज़र आ रहा होगा, और ये करके हम इसको फ्राई करेंगे। चलते हैं अब हम इसको फ्राई करने के लिए। ये हमने बास्केट्स रख दी थी फ्रिज में, तो अभी सेट हो गई, अब हम इनको फ्राई करते हैं। ये हमने चूल्हे पर कढ़ाई रख दी है, इसके अंदर तेल डाल दिया है, और जैसे दरमियानी तेल गर्म हो जाएगा उसके अंदर हम इसको फ्राई करेंगे, ना बहुत हल्की आग में करेंगे और ना बहुत तेज़ में। ये देखें अब हम इसके अंदर बास्केट डाल दें, फ्राई करेंगे इनको। इसको बहुत ज़्यादा तेज़ आग में नहीं फ्राई करना है। हमारी बास्केट ब्राउन होना शुरू हो गई है, अभी इसको हम निकाल लेंगे बाहर, और जो बाकी बची है उनको भी हम दोबारा और ब्राउन कर तल लेंगे। ये देखें हमारी पोटैटो बास्केट तैयार हो गई है। इसके अंदर आप देखें हमने हैंडल भी बनाया है छोटा सा, इसके अंदर जो वो रखा है अंदर हमने पोटैटो जो फिलिंग करी है, ये बहुत अच्छी क्रिस्पी चटपटी मज़ेदार है। और ये भी आपको तोड़ के थोड़ा सा दिखाएं, ये देखें बिल्कुल कितना अच्छा क्रिस्पी सा है ये, और बहुत मज़ेदार होगा। ये आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, और इसको आप बना के फ्रीज भी कर सकते हैं, फिर जब कभी मेहमान आए या कोई और मौका हो तो आप इसको फ्राई करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा खाएँ, अच्छा खिलाएँ, और खुश रहें।